डिस्कशंस की तरफ जाते हैं, इस पेपर को कैसे हैंडल करना है, ओपन बुक को कैसे हैंडल करना है। ओपन बुक को तब आप हैंडल कर सकते हैं जब स्टेप वन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपने समझा हो, आपने लेक्चर अटेंड किए हुए हो, लेक्चर अटेंड करके आपको समझ आ गया हो कि टीचर क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेके चलना है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग। देन माइंड मैपिंग, आपने क्या किया लेक्चर लेने के बाद, आपने फॉरन से रोड टूवर्ड्स ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज जो है, जो बुक है जो मैंने पीछे जिसका जिक्र किया था कि ERS की बुक है, मैं रोड कह के पुकारने लगा था, फिर मैं और जिक्र करना शुरू हो गया, तो दैट इज रोड टूवर्ड्स ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। आपने लेक्चर लिया, उस लेक्चर के नोट्स आपको वहां पे उस बुक में नजर आ रहे हैं जो सॉफ्ट में आपके साथ शेयर हुआ हुआ है, हैंडआउट आप यूज करें इस वीडियो लेक्चर का, और एक माइंड मैप बिल्ड कर दें रिक्वायरमेंट का। आपने लेक्चर लिया, लेक्चर के साथ मेरी किताब देखी, आइडियली अगर आप एक सफेद डायग्राम बना लें तो सबसे खूबसूरत बात है, पूरा स्टैंडर्ड का नक्शा। आप नहीं बना पाते, मेरे नोट्स हैंडआउट्स मौजूद हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। लेक्चर में जो स्लाइड्स यूज हुई हैं वो हैंडआउट्स भी आपके साथ शेयर हुए हुए होते हैं, और लेक्चर में जो किताब जो सोर्स बुक है वो भी आपके साथ शेयर हुई हुई होती है। तो सबसे पहले आपने लेक्चर समझा, लेक्चर समझने के बाद मेरी किताब को आपने फौरन से देख लिया। होगा क्या, मेरा लेक्चर अटेंड करके मैं सामने स्लाइड पे चीजें बता रहा हूँ, आपने नक्शा समझ लिया, अब उसके फौरन बाद आपने क्या किया, जल्दी से किताब पे वो स्टैंडर्ड को स्किम कर लिया, यानी कि आपने रात लेक्चर देखा तो सोने से पहले मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे उस सारे लेक्चर को एक दफा अपनी किताब पे तेजी से झांकी मार ली, आपको किताब पे जल्दी जल्दी से वो नजर आ गया, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसे याद करने की। बस मकसद ये है कि मेरा लेक्चर जो आपने वर्चुअल लिया है उसको अपने पास किताब में कैद कर लिया। देन आपने क्या किया, रिलेटिव रिलैक्स टाइम पे यानी आइडियली वीकेंड पे आप आए, और आपने फिर रेलेवेंट स्टैंडर्ड को स्किम करना, उसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टैंडर्ड कराया ISA 500, आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, ISA 500 की मैंने स्लाइड शेयर की हुई थी, आपने किताब खोली और मेरी किताब में वही स्लाइड आपको नजर आ गई, आपने फौरन से मार्क कर लिया कि हाँ भाई 500 मेरे जहन में आ गया। देन वीकेंड पे आपने पहले क्या किया, मेरी किताब से जल्दी से उसे पढ़ा, और देन आप स्टैंडर्ड को देखना शुरू हो गए। इसको प्रॉपर एक्टिविटी देना है। स्टैंडर्ड में कुछ कोर पैराग्राफ होते हैं जो नंबरिंग के साथ होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके, उनको ध्यान से पढ़ना है, और एक्सप्लेनेटरी पैराज हैं जिनको थोड़ा तेजी से पढ़ना है, वो होते हैं A1, A2, जिसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं उन कॉन्सेप्ट की और वो उसकी डेप्थ में जा रहे। लेक्चर अगर आपने अटेंड किया हुआ है तो मैंने उसमें कोर एफिनिटी पैराग्राफ मिला के कॉन्सेप्ट सारा समझाया होता है, बस आपको सिर्फ हौसला करना होता है कि आपने जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे उन चीजों को हाईलाइट करके आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो किस जगह पे हैं। जितनी अच्छी दोस्ती आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड से होगी उतना ज्यादा पेपर में आपके लिए उसको रिलेट करना आसान हो जाता है। आइडियली जब तक फिजिकल दौर चलता है, फर्स्ट करें IKF इसको ऑनलाइन में नहीं शिफ्ट करता, तो वहां हाईलाइट करना की पॉइंट, डिफरेंट कलर के हाईलाइटर यूज करना बड़ी अच्छी बात है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट आपके पास सॉफ्ट में स्टैंडर्ड हो, आप सॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स को भी हाईलाइट वगैरह करके रखें। पेपर में आपके सामने जो स्टैंडर्ड होंगे वो IKF के पोर्टल पे होंगे, उन पे कोई निशान नहीं लगा हुआ होगा, तो आपको आदत होनी चाहिए ऐसा स्टैंडर्ड देखने की जिस पे कोई निशान नहीं है। तो निशान जरूर लगाएं अपनी रेफरेंसिंग के लिए, लेकिन पेपर वाले मंथ में आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस शुरू कर देनी है उन स्टैंडर्ड्स की जिन पर निशान नहीं लगा हुआ। IKF आपके साथ शेयर भी कर देगा और आपके पोर्टल पे आ जाएगा, तो आप जाके IKF के सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर सकेंगे उस चीज की कि हमने एक्चुअल पेपर में इसको किस तरह से करना है। मैं एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जैसे ही आप लोगों का ये कंप्यूटर बेस्ड में शिफ्ट होगा तो मैं एक वीडियो आप लोगों के पोर्टल में डाल दूंगा जिसमें मैंने अभी जैसे कॉर्पोरेट लॉ शिफ्ट हुआ था, SPM शिफ्ट हुआ, तो मैंने उनके ऊपर सेशंस किए, पर सेशन में मैंने IKF के सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, उसमें से डाटा कैसे लेना है, सवाल कैसे पढ़ना है, टेबल कैसे यूज करना है, वो सारी गाइडेंस दी है। तो जैसे ही ऑडिट भी इस पैटर्न पे गया मैं वो सारी गाइडेंस आप लोगों के लिए भी रेप्लीकेट कर दूंगा इंशाल्लाह। आपने थिंग्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए मार्क करना है, सिंबल्स वगैरह यूज करना है, फिर भी कंफ्यूजन हो लाइव सेशंस में आना है। आपने देखा पीछे स्केड्यूल में लाइव सेशंस आ रहे हैं और लाइव सेशंस में अलग अलग तरीके से चीजें मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि जो पीरियोडिक लाइव सेशंस हैं इसमें आए। लाइव सेशंस में आके जो भी कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पढ़ते हुए, याद करते हुए, मैप बनाते हुए, पास पेपर को देखते हुए, वो जरूर पूछें। आइडियली एक एफिलिएशन डेवलप करें स्टैंडर्ड के साथ, दोस्ती करें। स्टैंडर्ड आपको अजीब से नहीं नजर आने चाहिए, जो भी लेक्चर हो अल्टीमेटली आपको स्टैंडर्ड पढ़ने की आदत बन गई हो, क्योंकि पेपर में द ओनली थिंग आपके पास जो होगी वो स्टैंडर्ड है, ना मेरी किताब होगी, ना नोट्स होंगे, ना पास पेपर्स होंगे, तो स्टैंडर्ड से जितनी अच्छी दोस्ती बनेगी उतने अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो किस तरह से कोर्स को लेके चलना है, आपने स्केड्यूल,
पकड़ना है, स्केड्यूल के मुताबिक अभी कैफ की रिवीजन क्लास देखना शुरू कर देनी है पूरे 1 महीने, और उसके बाद जो है वो आपने चीजों में आगे बढ़ना है। बल्कि मैं थोड़ी सी अगली स्लाइड पे आ जाऊं, जो शुक्रिया वाली स्लाइड होती है। तो आपने लेक्चर लिए रिवीजन के, और उसके बाद जो हम लोगों ने वीकली स्केड्यूल आपसे शेयर किया हुआ है कि जी 4 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 4 अगस्त से ऑनवर्ड वीकली उतना पढ़ें जितना लेक्चर में, यानी कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने लेक्चर लेना है। फिर स्टेप ये है कि आपने उसको रीड कर लेना है रोड टूवर्ड्स AERS से। फिर तीसरा स्टेप ये है कि आपने स्टैंडर्ड को देखना है वीकेंड के करीब, और देन लास्ट स्टेप ये है कि आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करनी। आपको कोर्स शुरू किए हुए 2-1 मंथ हो गए हो तो आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि फिर आप पास पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीफैप के पास पेपर कैफ की नस्बत काफी एडवांस लेवल के होते हैं और काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं। तो अगर आप 4 अगस्त से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और ये जुलाई का महीना, आज 3 जुलाई है और 4 अगस्त को मैं कह रहा हूँ कि आप ऑफिशियली इसको शुरू करें, तो जो ये वाला मंथ है इस मंथ में आप सबके साथ एडजस्ट हो, अपनी रूटीन बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों में इन होना की कोशिश करें। और कैफ की रिवीजन क्लासेस हमने वहां डाली हुई है, हर 2-3 दिन बाद एक क्लास अटेंड कर ली और थोड़ा सा हौसला हो गया कि यस मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप अभी से ही अचानक से 6-8 घंटे पढ़ना शुरू हो जाएं, आसान बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ वापस आना है तो कैफ की रिविजन क्लास इज अ गुड टूल, कि वो रिविजन क्लास लेते हुए आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने याद करना है, रट्टा मारना है, मैंने पेपर देना है। वो सिर्फ आपको कैफ की याददाश्त दिलाएंगे और उसके बाद आप फिर कोर्स में आ जाएंगे। तो आप जब ये कर रहे होंगे तो इसमें लेक्चर्स आपके पास मौजूद होंगे, ये किताब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें शेयर हुई भी होगी। जो स्टैंडर्ड है वो सॉफ्ट में हम आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आपको IKF से सब्सिडाइज अमाउंट पे मिल रहे होते हैं। और पास्ट पेपर्स करंटली हमने गाइड कर दिए हैं, और तकरीबन अगस्त मिड से ऑनवर्ड हम इसमें वीकली तकरीबन 6 से 7 सवाल ऐड करते चले जाएंगे, और चलते 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 हमारा टारगेट ये है कि हमने बाय द एंड ऑफ सेशन 100+ क्वेश्चंस जो है इसके अंदर देने हैं। जो मेरा Volume 2 है उसमें तकरीबन तकरीबन वो 300 सवालों की प्रैक्टिस है पास पेपर्स की। लास्ट मंथ में मैं आपको आइडियल कुछ सवाल बता देता हूँ, जो अगर आप लिख के करेंगे तो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, कि मैंने आपको बताया कि कोर्स क्या है, किस तरह से चलेगा, सोर्स बुक क्या है, पास पेपर एनालिसिस क्या है, IKF का फोकस क्या है। आपके कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हैं तो मुझे बताएं, मैं उसको साथ साथ देखता हूं। और उसके अंदर सर प्लीज चेक ISA 220 लेक्चर्स मिसिंग इन फर्स्ट हाफ। जी असल में होता ये है कि जब हर सेशन में रिविजन आती हैं, IKF रिविजन जब बताता है, तो अब ISA 220 में थोड़ी सी रिविजन है ISQM की वजह से। पिछले सेशन के एंड पे ISQM 1 और 2 आया, तो अभी ISA 220 का हमने एक रीवैम्प वर्जन शेयर करना है। तो होता यह है कि जून में IKF अपने अगले सेशन का सिलेबस बता देता है, और उसके बाद हम ओरिएंटेशंस और ये करने के बाद बीच बीच में अपडेट्स। तो इस वक्त जो कोर्स में अपडेट होने की जरूरत है वो 220 में थोड़ी सी चेंजेस हैं, थोड़ा सा 315 में चेंजेस हैं, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हल्का सा, और देन पास पेपर्स ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐड होने हैं। 2-3 छोटे छोटे से ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो अभी किताब में, जो मैंने लेक्चर्स में नहीं डाले हुए, जो कि बड़े ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि सर अगर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हो जाए तो अच्छा है, तो मैं इसी तरह से इस कमरे में बैठ के उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके अवेलेबल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड 2018 के और कोड ऑफ एथिक्स 2019 का, जी बिल्कुल, आप 2018 के स्टैंडर्ड और 2019 के कोड ऑफ एथिक्स से काम चला सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स अगर आप में से किसी की 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है तो अभी कोड ऑफ एथिक्स पे थोड़े से रुक जाएं। कोड ऑफ एथिक्स शायद ये चेंज कर देंगे, अभी इनका इस सेशन में अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन जिनकी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है, फर्स्ट करें December 25 में अटेम्प्ट है या उससे बाद अटेम्प्ट है, वो लोग थोड़ा सा रुक जाएं। हो सकता है उनको तकरीबन आज से कोई 7-8 महीने बाद नया कोड ऑफ एथिक्स IKF इशू करके लॉन्च कर दे, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो तो उनको वो देखना पड़े। सो लास्ट अटेम्प्ट में चेंजेस और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड क्या हैं? पिछले 3-4 साल में एक ही मेन चेंज आई है ISQM 1 और 2, और अभी ISA 220 में उन्हीं की वजह से थोड़ी सी चेंज आएगी। तो ऑडिट में ISQM 1 और 2 ये एक बड़ी चेंज काउंट होती थी, और मैं लास्ट टाइम इस पर पब्लिक सेशन करके उसके ऊपर एक ह्यूज पॉपुलेशन को वो लेक्चर उसके कवर करवाए हैं। तो वो लेक्चर्स आपके पोर्टल में मौजूद हैं, वो अपडेटेड हैं, लेकिन जो ISA 220 है उसके ऊपर हल्का सा काम होने वाला है। सर दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए AFR और SPM के साथ ऑडिट भी शुरू कर दूं या इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ना स्टार्ट करूं?
बेहतर ये है कि अगर आप इस वक्त ऑडिट को फिलहाल रोक दें, आप एक वक्त में तीनों सब्जेक्ट ना लेके चले। मैं सीफेप काउंसलिंग सेशन के अंदर मैं लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ कि आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा दो पेपर लेके चलें। तीन बेशक उठाए हुए हैं, लेकिन हर 6 महीने पे जब आप डिवाइड करें तो किसी भी वक्त आप तीन के तीन ना पढ़ रहे हो। तो रिपोर्टिंग और एसपीएम अगर आप पढ़ रहे हैं और दिसंबर तक पढ़ते रहे तो बहुत अच्छी बात है। ऑडिट अगर अगले सेशन में उठाएं तो भी अच्छी बात है। तो इसमें परेशान नहीं होना, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है तो आप टाइमली मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि सर से मैंने मशवरा लिया था तो सर ने मना कर दिया था। हमारा तो मकसद ये है कि हमने कम से कम इसको कॉस्ट में अवेलेबल कर दिया है। आप लोगों तक न्यूज पहुंची होगी कि इस वक्त हमारे जो सीए फाइनल के कोर्सेज हैं हम उसको बड़ी लोएस्ट अमाउंट पे ला चुके हैं। अगर आप में से कुछ तक न्यूज नहीं पहुंची तो मैं फिर एक वीडियो जरूर प्ले करूंगा। मैंने सोचा मैं जो दोबारा तकरीर करूंगा तो मेरे पास कोई 1.5 1.5 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें तो फाइनली बेसिकली जो बिग न्यूज है दैट इज देयर, एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ सीए फाइनल में क्या हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रब्ता कर रहे थे, कुछ ईमेल कर रहे थे कि सर वो आप हमारे पास आपका नोटराइज कोर्स है, हमारे पास एक्सेस है, एक बच्चे ने कोर्स लिया हुआ है हम उसके साथ शेयर कर लेते हैं, या यूट्यूब पे हमारे पास कुछ पढ़ा हुआ है पता नहीं वो अपडेटेड आउटडेटेड है थोड़ा पोर्शन है इस तरह से करके तो हमें लेना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है अनऑथराइज कोर्सेज वगैरह लेने की और मतलब जगह से चीज़ें मिलती हैं। दूसरा सीए फाइनल के स्टूडेंट्स अपने स्टाइपेंड से अपने सारे एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं और स्टाइपेंड जो है वो जाहिर है उनके अपने रनिंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए काफ़ी होता जा रहा है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो फॉर दैट हम लोगों ने एक बड़ा हैवी इनिशिएटिव लिया है कि हमने सुपर सब्सिडाइज अमाउंट पे अपने कोर्स ले आए हैं। अब हमारे सीए फाइनल का जो भी कोर्स है वो 5000 में अवेलेबल हो रहा है, रादर देन कि हम उसको 20000 पे लेके जाएंगे हम इस बार प्लान कर रहे थे, हम उसको 5000 पे ले आए हैं। 5000 के कोर्स में आपको लेक्चर लाइव सेशन व्हाट्सएप ये वो मिल रहा होगा 5000 में, और आप बड़े आराम से अपने स्टाइपेंड में बगैर फीस दिए किसी भी मंथ के स्टाइपेंड के 25% से भी कम अमाउंट में आप ये कोर्स ले सकते हैं और आप इस कोर्स के सारे फीचर अवेल कर सकते हैं। इससे आप मेल प्रैक्टिसेस से भी बचेंगे, आपके लिए इजी भी होगा, 25% से भी कम अमाउंट में आप ये कोर्स ले सकते हैं और आप इस कोर्स के सारे फीचर अवेल कर सकते हैं। इससे आप मेल प्रैक्टिसेस से भी तो फाइनली बेसिकली जो बिग न्यूज है दैट इज देयर, एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ सीए फाइनल में क्या हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रब्ता कर रहे थे, कुछ ईमेल कर रहे थे कि सर वो आप हमारे पास आपका नोटराइज कोर्स है, हमारे पास एक्सेस है, एक बच्चे ने कोर्स लिया हुआ है हम उसके साथ शेयर कर लेते हैं, या यूट्यूब पे हमारे पास कुछ पढ़ा हुआ है पता नहीं वो अपडेटेड आउटडेटेड है थोड़ा पोर्शन है इस तरह से करके तो हमें लेना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है अनऑथराइज कोर्सेज वगैरह लेने की और मतलब जगह से चीज़ें मिलती हैं। दूसरा सीए फाइनल के स्टूडेंट्स अपने स्टाइपेंड से अपने सारे एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं और स्टाइपेंड जो है वो जाहिर है उनके अपने रनिंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए काफ़ी होता जा रहा है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो फॉर दैट हम लोगों ने एक बड़ा हैवी इनिशिएटिव लिया है कि हमने सुपर सब्सिडाइज अमाउंट पे अपने कोर्स ले आए हैं। अब हमारे सीए फाइनल का जो भी कोर्स है वो 5000 में अवेलेबल हो रहा है, रादर देन कि हम उसको 20000 पे लेके जाएंगे हम इस बार प्लान कर रहे थे, हम उसको 5000 पे ले आए हैं। 5000 के कोर्स में आपको लेक्चर लाइव सेशन व्हाट्सएप ये वो मिल रहा होगा 5000 में, और आप बड़े आराम से अपने स्टाइपेंड में बगैर फीस दिए किसी भी मंथ के स्टाइपेंड के 25% से भी कम अमाउंट में आप ये कोर्स ले सकते हैं और आप इस कोर्स के सारे फीचर अवेल कर सकते हैं। इससे आप मेल प्रैक्टिसेस से भी बचेंगे, आपके लिए इजी भी होगा, आपका कोर्स आप अपने पास होगा और आपके लिए सब्जेक्ट की क्लास लेना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला किया है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर माने अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब मैंने कोशिश तो की है कि यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग और वो चीजें की जाएं, लेकिन एक आध डिवाइस जो मेरे साथ थी तो उसमें मैंने देखा तो कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। क्या ये वीडियो आप लोगों ने सही से सुनी, क्या आप लोगों तक सही से पहुंची या बस गुजारा मुजारा ही हुआ है? हाँ जी, क्या
क्या आप लोगों को वीडियो आवाज चीजें समझ आई या नहीं आई है? एंड पे रुक रहा था, परफेक्ट। अरे वाह, बेहतरीन चली वीडियो। ठीक है, बस पे मेरे ही अपने साथ वाले सिस्टम पे नहीं चल रही थी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा लो जी, इतना मेहनत से हमने जो है ना शशका मशका डाल के और वीडियो चलाई। तो बहरहाल आपने अनाउंसमेंट सुनी, अल्लाह का शुक्र है। बड़े अरसे से ये चैलेंज आ रहा था कि सीए फाइनल के लोग जो है ना वो बहुत मुश्किल में आते जा रहे थे, और वो अपने स्टाइपेंड से सारे गुजारे करने के चक्कर में वालदेन से पैसे लेने बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम हर जमाने में बड़ी मुनासिब फीस रख के उसके बाद भी बहुत ज्यादा सब्सिडाइज वे में आते थे। तो इस दफा हमने फिर दिल पे पत्थर रख के कुछ ज्यादा ही जज्बाती एक्शन ले लिया और उसको बिल्कुल ही 5,000 पे ले गए। अब ये किसी भी मंथ के स्टाइपेंड के 22-23% से भी कम है। तो कोई भी स्टूडेंट अब अगर क्लास लेना चाहे तो वो एक बड़ी लोएस्ट अमाउंट में ले सकता है। बल्कि हमारे पास जो पिछले सेशंस के एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे या जो फ्रीज हुए हुए थे, वो तक अब हमें कह रहे हैं जी रिफंड दें, ये क्या है, आपने जो सस्ता कर दिया। और हम उस वक्त उन लोगों को फ्रीज, रिफंड और एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो बस ख्वाहिश ये है कि आप लोग अनऑथराइज कोर्सेज की तरफ ना जाएं, वरना क्या होता है आपके पास कोई पुराना सा कोर्स आता है, आप उसे देखना शुरू कर देते हैं और जस्ट आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में क्लासेस नहीं लेते। तो एंड तक लोग क्लास नहीं लेते, पेपर में अपियर होते हैं। और मैं आपको बताऊं, आर्टिकल्स के दौरान पेपर पास करना बड़ा जरूरी है। तो लोग आर्टिकल्स का सुनहरा टाइम गुजार देते हैं, और जब एक दफा जॉब शुरू हो जाती है फिर तो पेपर पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पे अपने पैसे बचाने के चक्कर में ना क्लासेस सही से लेते थे ना पास कर पाते थे। तो फिर हमें समझ ये आया कि सीए फाइनल में पहले भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बचत हो या कोई फायदा हो। तो जब है ही वो कम्युनिटी सर्विस और जब उधर कुछ नहीं बच रहा, तो बस इतना कम रख देंगे जिससे हमारी बस मुश्किल से मोटी मोटी सी कॉस्ट पूरी हो, स्ट्रीमिंग की और एक दो और चीजों की, स्ट्रीमिंग और बस मोटा मोटा स्टाफ की कॉस्ट पूरी हो जाए। टीचर्स को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है, कुछ टीचर्स माने कुछ नहीं माने, लेकिन इस टाइम पे हम अपना एट नियर पियर एट SBI पूरा का पूरा CFAP हर सब्जेक्ट 5,000 रुपीज पे ला चुके हुए हैं। तो अल्लाह करे कि हम इस एक्टिविटी से ज्यादा लोगों को सर्व कर सकें। कोई सवाल ऑडिट से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन, हमने आज जो जितने भी डिस्कशन की है उससे रिलेटेड कोई परेशानी, कोई सवाल? सर अगर ये कोर्स आप 2013 में कर देते तो काफी लोग क्वालिफाई कर देते। बाय द वे, नाइस स्टेप। हम 2013 में भी बड़ी कोशिशें कर रहे थे। हम हर जमाने में उस जमाने की ट्रेनिंग के लिए, पुराने जमाने का ट्रेनिंग क्या करता था, वालदेन से भी पैसे लेता था और फर्म से भी कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे। अब ट्रेनिंग जो है ना वो जितनी लेट शुरू कर रहे हैं, पहले लोग कैफ 2 साल बाद शुरू कर देते थे, कैफ 2 साल में खत्म करके CFAP शुरू कर देते थे। अब लोग 3.5-4 साल औसतन कैफ में लगा रहे हैं, उसके बाद वो जिस एज के हो गए होते हैं उन्हें वालदेन से पैसे मांगते हुए शर्म आती है, और फिर वो अपने स्टाइपेंड से ही अपने सारे गुजारे करना चाह रहे होते हैं। और स्टाइपेंड जाहिर है जितना मर्जी भी बढ़ जाए वो एक स्टूडेंट के सारे खर्चों के लिए वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता। तो इसलिए हमें समझ आ रहा था कि डिफिकल्टीज किस तरह बढ़ गई हैं। दूसरा, पहले पॉसिबल भी नहीं था। पहले क्या होता था, फिजिकल क्लास होती थी, फिजिकल लंबा चौड़ा सा रोला होता था। मुझे याद है कोविड आने से पहले हमारी जो फिजिकल क्लास चल रही थी, तो एक कॉर्पोरेट लॉ का बैच था मेरा, 100 पे फुल हुआ हुआ था, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 की थी। एक दूसरे बैच में 70 एडमिशन हो गए थे और मजीद हो रहे थे। ऑडिट का एक 80 बच्चों का बैच था और SPM का शायद 60 बच्चों का बैच था। ये फिजिकल चल रहे थे। कोविड आने के बाद जब चीजें ऑनलाइन हुई हैं, तो ऑनलाइन के बाद चीजें बच्चों की एक्सेस में ज्यादा इजीली आ गई हैं, तो अमाउंट्स भी कम कर दी, चीजों को ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दिया। बट ऑनलाइन में आने की वजह से बच्चे जो है वो फिर पढ़ना ही से भाग गए। वो इस चक्कर में होते हैं कि उन्हें फ्री डाटा मिले, फ्री डाटा मिलके एक फोल्डर में डाल देते हैं। तो हम इसको फ्री भी कर सकते थे, लेकिन फ्री करने का मतलब था वो तो लेके रख लेते हैं पर बाद में सोचते रहते हैं अच्छा और कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कम से कम इसकी इतनी नॉमिनल फीस है कि एक स्टूडेंट आराम से पे भी कर सके, एंड प्लस वो उस नॉमिनल फी को पे करने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने पैसे भरे हैं और अपनी जेब से भरे हैं, तो फिर मुझे पढ़ना होगा। तो ये एक बड़ी ऑप्टिमम सी फीस, बड़ी मजेदार सी फीस हमें समझ आई है, हमने ये रखी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इससे थोड़ी सी और सपोर्ट हम कर सकेंगे कम्युनिटी के अंदर। सर मैंने SPM ऑडिट पढ़ना है, डेली कितना टाइम देना चाहिए, और मेरी फर्म की टाइमिंग 9 to 6 है। अगर SPM और ऑडिट पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनमें से एक सब्जेक्ट को वीकेंड पे ले जाएं और एक सब्जेक्ट को डेली पे ले जाएं। ऑडिट को आप डेली पढ़ें और SPM वीकेंड पे ले जाएं। SPM बहुत बड़ा नहीं है, ऑडिट को साथ साथ टाइम चाहिए। अगेन CFAP काउंसलिंग का मेरा सेशन था, वो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप अगर SBI उस पे YouTube पे जाके अगर आप SBI लिखेंगे तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, उसको छोड़ के एक स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आएगा। आपने उसके वीडियो सेक्शन में जाना है, तो रीसेंट वीडियोस, वीडियोस का टैब है, उस पे जाना है। तो रीसेंट वीडियोस में आपको नजर आएगी CFAP काउंसलिंग।
तो सीफेप काउंसलिंग के अंदर मैंने इसमें बताया है कि आप पर डे कितना पढ़ सकते हैं, आपके आइडियल 2 आवर्स किस तरह से हो सकते हैं, आपको शुरू में क्या सब्जेक्ट उठाने चाहिए, किन के साथ कम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो जितनी जनरिक गाइडेंस है मैंने वहां दी हुई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन और आप इंडिविजुअल अपनी कोई क्यूरी पूछना चाहें तो आप मेरी ईमेल पे हमेशा ईमेल कर सकते हैं, atifabdfca@gmail.com। तो इस पे मैं आप अगर अपना पॉइंट शेयर करेंगे तो मैं 1-2 दिन ठहर के जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं तसल्ली से आपकी ईमेल को समझ के और उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा होता हूँ कि आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि वो सीफेप काउंसलिंग देखें, तो उसमें मैक्सिमम सवालों का जवाब मौजूद है।